बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट वैसे तो अक्सर खुश मिजाज अंदाज में स्पॉट की जाती हैं, लेकिन बीते दिन हमेशा हंसती मुस्कुराती एक्ट्रेस काफी गुस्से में नजर आई। आलिया भट्ट का पारा काफी चढ़ गया और सोशल मीडिया के जरिए वो जमकर बरसी। मामले की सीरियसनेस का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि आलिया ने पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई। दरअसल बीते दिन आलिया भट्ट की कुछ प्राइवेट फोटोज एक न्यूज पोर्टल के दो लोगों ने चोरी छिपे कैमरे में कैद कर ली। ये तस्वीरें तब की हैं जब वो अपने कमरे में बैठी थी और इस बात से गुस्साई आलिया ने इंस्टाग्राम पर न्यूज पोर्टल को जमकर क्लास लगाई। अब इस वाके पर कई बॉलीवुड स्टार्स ने आलिया को सपोर्ट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। आलिया भट्ट ने सबसे पहले उन पिक्चर्स को शेयर किया जिसे न्यूज पोर्टल ने क्लिक किया था और इसके साथ ही आलिया भट्ट ने एक अच्छा खासा कैप्शन भी लिखा। आलिया भट्ट की बातों से साफ नजर आ रहा है कि लिविंग रूम में बैठी आलिया भट्ट की जिन पिक्चर्स को कैमरामैन ने कैद किया इस बात से उन्हें काफी नाराजगी है, जिस बात का गुस्सा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। आलिया भट्ट के पोस्ट शेयर करने के बाद तमाम सेलेब्स ने आलिया भट्ट के पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर उन्हें सपोर्ट भी किया। एक्ट्रेस का कहना है कि ऐसा कई बार होता है जब पेपराजी अपनी हदों को पार कर जाते हैं। आलिया भट्ट के साथ हुई घटना पर रिएक्ट करने वाले सेलेब्स में अनुष्का शर्मा का नाम शामिल है। एक्ट्रेस ने न्यूज पोर्टल की पोस्ट को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, ऐसा ये लोग पहली बार नहीं कर रहे जब इन लोगों ने ऐसी हरकत की हो। करीब 2 साल पहले हम लोगों ने भी इन्हें इसी तरह से चोरी छिपे हमारी फोटोज लेते देखा था। इसके बाद हमने इनकी जमकर क्लास लगाई थी। इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी की फोटोज को पोस्ट किया जबकि हम लोगों ने मना किया था और प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करने को कहा था। वहीं बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर भी इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन देते नजर आए हैं। अर्जुन कपूर ने भी आलिया का सपोर्ट करते हुए मीडिया की क्लास लगाई और इसके साथ ही इस हरकत को शर्मनाक बताया। एक्टर ने लिखा, एकदम शर्मनाक, आज ये एक ऐसी चीज हुई जहां पर लिमिट को क्रॉस कर दिया गया। एक महिला आज खुद अपने घर में सुरक्षित नहीं, क्या उनका ये लिमिट क्रॉस करना सही है? इन्हीं लोगों पर हम भरोसा करते हैं और सोचते हैं ये फोटो ले रहे हैं क्योंकि ये इनका काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की प्राइवेसी भंग करने की कोशिश में जुट जाए। मुंबई पुलिस ये देखना नहीं बल्कि किसी महिला को स्टॉक करना होता है। अर्जुन कपूर और अनुष्का शर्मा आलिया भट्ट का सपोर्ट करते नजर आए हैं और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया की भी जमकर क्लास लगाई है। आलिया भट्ट को बेटी का दर्जा देने वाले करण जौहर इस बात पर उसी तरह आग बबूला होते दिखे जैसे कि पिता को होना चाहिए। करण जौहर ने लिखा कि इस बात के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, ये बहुत ही घटिया हरकत है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मीडिया की और पेपराजी की हर कोई पर्सनल लाइफ में थोड़ा स्पेस देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जानकारी के बिना उनकी फोटोज को क्लिक करें। इसकी लिमिट होती है, कोई अपने घर में सुरक्षित फील कर सके, उसे इतना तो राइट है। ये बात एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के लिए नहीं बल्कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में है। करण जौहर का भी गुस्सा फूट पड़ा है जब आलिया भट्ट की प्राइवेट पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। आलिया भट्ट के फोटो लीक मामले पर उनकी बहन शाहिन भट्ट का भी गुस्सा फूटा है जिसके बारे में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर काफी कुछ लिखा है। आलिया भट्ट ने शाहिन भट्ट का जो पोस्ट है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। वहीं बात करें आलिया भट्ट की सास नीतू कपूर के बारे में, जब उनको इस बात का पता लगा तो वो भी काफी गुस्से में नजर आई है। नीतू कपूर ने इस पूरे मामले को काफी शर्मनाक बताया और जिस तरीके से पेपराजी सेलेब्स की प्राइवेट लाइफ में दखल दे रही है उसको भी उन्होंने काफी बेहुदा बताया है। दरअसल आलिया भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पिक्चर्स को शेयर करते हुए अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं हर दोपहर की तरह नॉर्मली अपने घर के लिविंग एरिया में बैठी थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो 2 आदमी मेरे घर के पड़ोस वाले बिल्डिंग पर कैमरा लिए खड़े हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? क्या किसी को ऐसा करने की इजाजत मिल सकती है? क्या ये किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं? आपके और हमारे बीच में एक लाइन थी जो आज आपने क्रॉस कर दी है। इसके साथ ही आलिया ने पोस्ट में मुंबई पुलिस को भी टैग किया। अगर आपने फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।